अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए पाए का लेसदार सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करते हुए आप भी बहुत ही लेसदार और बहुत ही मज़ेदार ये सालन बना के तैयार कर सकते हैं। तो पाए का इतना लजीज और इतना बेहतरीन सालन शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यकीन मानिए, आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप इसे भूल नहीं पाएंगे। इतना मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होता है। जो लोग शौक़ से नहीं खाते हैं पाए, वो भी शौक़ से खाएंगे, ना तो इसमें स्मेल आएगी। और ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद पाए लिए हैं। यहाँ पर हमने बड़े के पाए लिए, यानी कि गाय के पाए, और इनको मैंने अच्छी तरह वॉश किया। उसके बाद इनको मैंने प्रेशर कुकर में 1 घंटे के लिए मैंने इसको गला लिया है, और ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। और आप देख सकते हैं इतना सारा इसका ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट निकल के इनके ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो टिप है मैं आपको यही बताऊँगी कि जब आप पाए बहुत अच्छे से गला लेते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा लेस बन के तैयार होता है। तो अगर आपके पाए जो हैं वो सही से गले हुए नहीं होंगे तो लेस कभी भी आपके शोरबे में नहीं होगा। तो सबसे पहली यही टिप है कि आपने पाए अच्छी तरह से बॉयल करने हैं, खूब अच्छी तरह से इनको गला लें। और अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए बहुत कम मैंने ऑयल लिया है, आधा कप मैंने, या आधा कप से भी शायद थोड़ा सा कम ही लिया है, क्योंकि हमने जब पाए को हमने गलाया है तो उसमें इतना सारा ऑयल पहले से ही निकल आया है, क्योंकि इसमें नलियाँ होती हैं और ये बहुत ज़्यादा फिर ऑयल हो जाता है सालन में, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल लिया था ताकि ये प्याज जो है इसमें फ्राई हो जाए। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। इसके मसालों में नमक डालेंगे हसब ज़रूरत, क्योंकि पाए जब हमने गलाए थे तो उसमें भी 1 चम्मच मैंने नमक का डाला था। तो 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो ये मसाले इसके ड्राई मसाले हो गए। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। तो अब इसमें फ़ौरन से थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। तो अब इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के, और 2 टेबल स्पून ही इसमें अदरक का पेस्ट जाएगा। लहसुन अदरक का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 पाए लिए हैं तो उसी हिसाब से इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो बस अभी से मिक्स कर लेते हैं और मसाले को भून लेते हैं। यहाँ पर 3 से 4 मिनट ही इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं करनी है, बस 3 से 4 मिनट बहुत है। हल्की आंच पर पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैं मिक्स करते हुए इसको पका रही हूँ। तो ये देखिए इसका जो ऑयल है वो अलग से सेपरेट हो चुका है और मसाला हमारा रेडी है। तो बस इसे ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ देखिए मसाला ठंडा हो चुका है, मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 250 ग्राम दही, और साथ में इसमें खुशबू के लिए जाएगा जायफल। तो यहाँ पर मैंने आधा जायफल का टुकड़ा लिया है, और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी जावत्री के फूल 2 अदद, 2 जावत्री के फूल इसमें चले गए। तो बस अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह, तो चलिए इसका फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, और ये सालन बहुत ही जल्दी बन जाता है झटपट। अगर आपके पास पाए आपने पहले से गला कर रख लिए हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने, यहाँ आप देख सकते हैं, प्रेशर कुकर से मैंने निकाल कर पतीले में डाल लिया है पाए को। तो ये अब इसमें हम ये जो मसाला है ये भी सारा इसमें ऐड कर देंगे। तो जिस पतीले में मैंने प्याज फ्राई की थी, मसाला बनाया था, उसी पतीले में हमने पाए इसमें ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसको खुले बर्तन में हम बनाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा पानी मिक्सी के जार में डाला है ताकि जो भी मसाला इसका लगा हुआ रह गया है वो ज़ाया ना हो, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो गोश्त आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका गला है, पाए जो हैं बिल्कुल हड्डी से देखिए अलग हो गए। तो अब हमने क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं अभी फ़िलहाल हम डालेंगे। आप इसका शोरबा देख लें थिकनेस, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर ये लेसदार नहीं बनेगा।
यहाँ देखिए मैंने इसमें कोई पानी का इजाफा नहीं किया है, बस जिस यखनी में ये गले थे पाए बस वही है इसमें, और हमने इसे सिर्फ मसाला ऐड किया है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं, 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर पका लेते हैं ताकि जो भी मसालों का टेस्ट है वो इसमें यखनी में अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, तो पाए का सालन आप जब भी बनाएं इसमें टमाटर नहीं डालिएगा कभी भी, टमाटर डालने से इसका जायका ख़राब हो जाता है, मिठास आ जाती है, और इस तरह का सालन कभी भी बन के तैयार नहीं होगा आपका। तो हमेशा पाए का सालन जो है वो दही के साथ ही बनता है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में बेहद लाजवाब ये बनते हैं। इसका जो शोरबा होता है ना, तो आप अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको ये बेहद पसंद आएगा। तो ऊपर से हरा धनिया गार्निश करेंगे और गरम मसाला आप अलग से रख दीजिएगा पिसा हुआ जब आप इसे सर्व करें, क्योंकि अगर हम अभी से इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे तो सालन का जो कलर है वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम बिल्कुल लास्ट में जब हम इसे सर्व करेंगे तो गरम मसाला ऊपर से आप डाल के इनको सर्व कर सकते हैं। साथ में बारीक कटी हुई अदरक और लीमू का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सा लेसदार पाए का सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब आप इसको तंदूर की जो रोटी होती है उसके साथ आप खाएं, ये बहुत ही लाजवाब लगेगा। या फिर आप इसको नाश्ते में खाएं पराठों के साथ, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।